एप्पल नाम की एक जानी मानी कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आप गाने सुनकर अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, और ऐसे ही एक गाने ने हमारे दिमाग को ट्रेन भी किया है, और उसे सुनते ही हमारे बचपन की मेमोरीज तरोताज़ा भी हो जाती है। लेकिन इस बार जब आप इस गाने को सुनेंगे, इसके लिरिक्स पर ध्यान देंगे, तो शायद फिर आपको इस गाने को सुनने का कभी मन नहीं करेगा। अगर आप ध्यान दें तो गाने की जिस लाइन पर बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, यानी कि घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, वो कितनी ईजिली एनिमल क्रुएल्टी को, यानी कि एक जानवर को दर्द देने में मजा लेने को बढ़ावा देता है। अब स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली इस इंग्लिश राइम को भी देख लीजिए। तो आपने देखा ना कि कैसे उस बेचारे पिग की हड्डियाँ टूटने के बाद भी उस ट्रेन के ड्राइवर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और वो पोएम में बड़ा हंस हंस के आई डोंट केयर बोल रहा है। ये कितना गलत है, ये मैं आपको डव और डो की कहानी से बताती हूँ। हाल ही में फार्म पर मनवीन जी दो ऐसे पपीज को रेस्क्यू करके लाए जिन्हें कुछ लोग एक बोरी में बंद करके कहीं फेंकने को लेकर जा रहे थे। जब मनवीन जी ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, उनसे पूछताछ की, तो वो बहाने बनाने लगे कि हम इन्हें शिफ्ट कर रहे हैं, हम किसी को देने जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर 5-10 मिनट के बाद स्टोरी चेंज हो रही थी, नहीं वो कोई पिकअप करने आ रहा, नहीं कोई छोड़ने आ रहा है। इवेंचुअली हमें समझ में आ गया कि वो उन्होंने इसलिए इन्हें बिना सांस के इसलिए बंद करा था कि वो प्रॉबेबली इनकी बोरी उठा के फेंकने जा रहे थे। जब वो पपीज यहाँ पर आए तो बेचारे बहुत डरे हुए थे। यहाँ पे उन्हें एक सेफ स्पेस मिली, खाना मिला, और क्योंकि वो इतने क्यूट से थे कि जल्द ही फरीदाबाद में अडॉप्ट भी हो गए। अब देखा जाए तो डव एंड डो की सिचुएशन भी उस गाने के घोड़े या उस पोएम के पिग से कुछ खास अलग नहीं थी। जब लोग इस तरह के निर्दयी काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन सब के पीछे ऐसे गानों का, ऐसे पोएम्स का हाथ होता है जिन्हें वो सुन सुन कर बड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह के गाने, इस तरह की पोएम्स बच्चों के दिमाग को जानवरों के प्रति संवेदनशील होने से सुन्न कर देती है, और उनके लिए एक जानवर की ज़िंदगी मायने ही नहीं रखती। अब अगर बच्चे ऐसे गाने सुनेंगे या स्कूल में ऐसी पोइम्स पढ़ेंगे, तो ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं होगी कि कल को वो भी किसी क्रुएल्टी में भाग लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।